हे व्हाट्स गोइंग ऑन गाइस, ओमेगा हियर। एंड वीडियो एंड स्टफ का अनाउंसमेंट हो चुका है न्यूज़ सेक्शन में, और मैंने कल के वीडियो में कवर अप नहीं किया क्योंकि मैं एक्चुअली अभी मुझे फीवर आ चुका है, बट स्टिल अभी मैं थोड़ा सा ठीक हूँ, दवाई ले ली है तो अभी अच्छा लग रहा है। आपको मेरा वॉइस थोड़ा सा डिफरेंट लगा होगा, बट एनीवे वीडियो एंड स्टफ जब मैंने डिटेल्स पढ़ी तो उसमें एक लाइन थी जो है ये, प्लस नेवर बिफोर रिलीज कैरेक्टर इन्फॉर्मेशन विल ऑल्सो बी रिवील्ड। सो गाइज, ये जो लाइन है ये मुझे कब से खटक रही थी, एंड मैंने यूट्यूब्स के में सर्च भी किया तो उसमें से एक यूट्यूबर है, आई थिंक उसका नाम सुप्रीम है, उसके चैनल का नाम सुप्रीम है। सो उसके वीडियो में मुझे पता चला कि ऐसा ही एक इवेंट फर्स्ट एनिवर्सरी के टाइम पे भी हुआ था, जिसमें टोशी एंड प्रोड्यूसर्स लोग पीवीपी खेल रहे थे, एंड उस पीवीपी के अंदर टोशी ने ब्रैंड न्यू कैरेक्टर्स का, आई थिंक उससे डायरेक्ट ब्रैंड न्यू कैरेक्टर्स के साथ वो खेलने लगा था। सो एकदम नई सी बात थी और काफ़ी शॉक हो गई थी पब्लिक उसमें। सो आई थिंक ये ऐसा हो सकता है क्योंकि इसमें भी बताया कि कभी ये कैरेक्टर रिलीज नहीं हुए हैं। सो आई थिंक गोजीटा नहीं आएगा क्योंकि गोजीटा हमारे पास पहले भी है, तो इसमें साफ साफ लिखा है नेवर बिफोर रिलीज कैरेक्टर। सो गोजीटा तो भूल जाओ, गोकू भी शायद तक तो नहीं रहेगा, अगर रहेगा भी तो कोई उसका दूसरा फॉर्म रहेगा। बट आई थिंक अभी जीटी कैरेक्टर में से मेरे हिसाब से तो गोजीटा आ सकता है, एंड उसका जो विलन था, मेरे को उसका नाम याद नहीं आ रहा, कुछ तो डार्क से है, बट लेट्स सी, वो आ सकते हैं क्योंकि जीटी को भी अभी मतलब डेड सी हो गई है, ज़्यादा लोग यूज़ नहीं करते। आई नो जीटी पावरफुल टीम है बट नोबडी यूज़ हिम, क्योंकि उनमें कोई ऐसा वेजिटो ब्लू जैसा कोई कैरेक्टर नहीं है जो कि 3-4 अटैक को आराम से बफ कर दे। सो मेरे हिसाब से सुपर सैन 4 गोजीटा आ सकता है, एंड उसका एक ओपोनेंट भी होगा। सो मेरे हिसाब से ऐसा लगता है मुझे, एंड डेफिनेटली गाइस इस वीडियो एंड स्टफ को बिल्कुल भी आप मिस मत करना, क्योंकि इसमें ही हमें फाइनली पता चलेगा कि क्या मिलने वाला है हमें। एंड सेकेंडली गाइस, अभी ये रेड बॉस इवेंट आया है, सो इसके अंदर बूस्टेड कैरेक्टर ये ऑब्वियसली ये रहेगा सुपर सैयन 3 गोकू, एंड इसका रिवॉर्ड गाइस फर्स्ट रेड जैसा ही है, बट मैं डेफिनेटली कहूँगा यार इसको ग्राइंड कर दो क्योंकि काफ़ी अच्छा है ये रिवॉर्ड्स, एंड हमेशा की तरह ये मेडल्स मिलेंगे, एंड मेडल्स डेफिनेटली बहुत अच्छे हैं अगर आप एक दिन में ही कर दोगे इसको। तो ये कल सुबह के 11:30 बजे तक का टाइम है आई थिंक हमारे पास, देखते हैं कितना हो सकता है। एंड ये सारे रिवॉर्ड्स हैं आप जो एक्सचेंज शॉप से ले सकते हो, सो एक्सचेंज शॉप में पहले देख लेते हैं। एंड अभी वैसे भी वो भी चालू है लेजेंड्स वीकेंड, सो या एंड एनीवे गाइस, मेरे पास अभी क्रोनो क्रिस्टल्स काफ़ी कम है, सो मैं जमा करने की कोशिश कर रहा हूँ। स्टोरी मोड खेलना बाकी है मेरा अभी भी, सो स्टोरी मोड होने के बाद आई थिंक मैं 500 तक तो क्रोनो क्रिस्टल जमा कर लूँगा। सो अगर आप क्रिस्टल्स बोल रहा हूँ सॉरी, अगर आप ये एक्सचेंज मेडल देख सकते हो तो गए टाइम की तरह ही है एग्जैक्टली, आप 10 इसमें डाल दो क्रोनो क्रिस्टल्स में तो 1000 आराम से आ जाएंगे। एंड एट दी एंड अगर आप चाहो तो जेंकाई सोल्स ही ले लो, एंड जेंकाई कैरेक्टर कोई भी एक कैरेक्टर को मैक्स कर सकते हो इससे, मतलब 500 मिल रहा है वो भी 5 मेडल से, वर्थ इट है। और प्लस हमें यहाँ पर से भी मिलता है जो रश मेडल है, सो रश मेडल से भी आई होप आप कर लोगे, काफ़ी अच्छा डील है ये, मेरे पास तो बहुत है क्योंकि मैं रश मेडल सेव करके रखता हूँ। एंड या गाइस, पहले अभी एक मेरे पास वैसे जेंकाई सुपर सैयन 3 नहीं है, अभी भी नहीं है क्योंकि मैंने एक दो समन किया है उस पर। सो अभी आप लोग बोलोगे कि यार अगर आप ये इससे खेलोगे सो ये ज़रूर बैटल बूस्टेड है, पर अगर आप डिटेल में देखोगे ना, सो यहाँ लिखा जेंकाई अवेकनिंग 1 और हायर, सो कोई भी जेंकाई कैरेक्टर इसमें इसको 250 ज़्यादा डैमेज दे पाएगा। सो मैं पहले इसको रीसेट कर लेता हूँ, एंड इसको कर देते हैं। सो ये देखो, यहाँ पर जितने भी जेंकाई है मेरे पास ये यहाँ डिस्प्ले हो चुके हैं, एंड ये ग्रीन यूनिट है। सो ओके, सो मैं ब्लू कैरेक्टर को तो लेके नहीं जा सकता,
सो मेरे हिसाब से केड गोकू को डाल देते हैं यहाँ पर एंड इक्विपमेंट दे देते हैं इसको अच्छे खासे। ओके इक्विपमेंट्स दे दिए। अभी आप देख सकते हो अभी शाम के 7 बजे हैं एंड अभी इतना हो चुका है डिफिट। सो आई थिंक मेरे हिसाब से क्लोजली हो जाएगा, ये डिफिट हो जाएगा मेरे हिसाब से। बट अगर आपके पास सच्ची में सुपर सैयन 3 हो तो 100% उसको यूज़ करो। वो भी ZENKAI 1 हुआ तो भी काफ़ी अच्छा है भाई, ZENKAI 1 पे भी OP है। एंड भाई ये देखो यार, नो आपको हमेशा याद रखना है भाई कि ZENKAI अगर हो इस इवेंट में, कोई भी कैरेक्टर ZENKAI लेके आ रहा हो तो आप बैटल करो या तो फिर सुपर सैयन 3 ZENKAI से करो। जैसे ये महाशय वेजिटो लाए है बट ये वेजिटो बिल्कुल बफ इतना नहीं कर पाएगा जितना सुपर सैयन 3 ZENKAI 1 कर पाएगा इसको डैमेज। सो मैं बस राह देख रहा हूँ, ओके इसने सुपर सैयन 3 ला लिया बट नो, लेट्स सी फाइनल ट्राई करते हैं। अभी जो भी आया उसके साथ चले जाएंगे, देखते हैं। ओ भाई चलो ठीक ही है, 2 किड गोकू लेके जाते हैं। चलो लेट्स सी, अभी दोनों ZENKAI है, दोनों के दोनों अलग है, लेट्स सी कैसे कर पाते हम लोग। ओके ओके सो स्टार्ट, ठीक है। ओके इसका वैसे भी ब्लू कार्ड कुछ फ़ायदे का नहीं है इस मैच में क्योंकि ये बार बार हमें लॉन्ग डिस्टेंस पे डाल देता है। सो गाइस डैमेज देखने पे तो बुरा बिल्कुल नहीं है, आई मीन आप कह सकते हो अच्छा डैमेज, अच्छा खासा। इसको थोड़ा सा बचा लेते हैं हम कवर रेस्क्यू। लेट्स ओके इसका स्ट्राइक कार्ड कैंसिल नहीं करता बट एनी वे हमारा राइजिंग रश बिल्डअप हो चुका है, अब बस उसकी बारी है। ओके उसका भी राइजिंग रश बिल्डअप हो चुका है एंड लेट्स गो फॉर इट क्योंकि वो वेट कर रहा है। लेट्स सी कम ऑन भाई राइजिंग रश दबा दे। ओके सो राइजिंग रश एक साथ करते हैं, लेट्स सी कितना डैमेज हो पाता है। ओके डैमेज तो सही है। ओ भाई डैमेज काफ़ी ओपी है भाई। हो कूल। सो गाइज बिना बूस्टेड बस खाली राइजिंग रश अपना ZENKAI कैरेक्टर्स के बफ के हिसाब से तो यार ये काफ़ी अच्छा है। आपके पास कोई भी ZENKAI कैरेक्टर हो बस उसको यूज़ करो, आई एम श्योर इसके बफ उसको मिल जाएंगे। एंड देख सकते हो यार कितना आराम से हमने इसको डिफीट कर दिया है। सो एनी वे गाइज ये एक एग्जाम्पल था कि आपको सुपर सैयन 3 की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है इसमें। कोई भी ZENKAI कैरेक्टर लेके जाओ, बस कोई ब्लू मत लेके जाना। अगर बार्डॉक है आपका 7 स्टार 7 ZENKAI पे तो डेफिनेटली लेके जाओ, बट अगर कोई और हो तो बिल्कुल मत लेके आना क्योंकि आप डिसएडवांटेज पे रहोगे ब्लू कैरेक्टर से। तो बट अगर आप कोई और दूसरा ZENKAI लेके जाओगे तो ये काफ़ी अच्छा रहेगा, फेयर फाइट रहेगी। सो जैसे कि आपने देखा गाइस काफ़ी ज़्यादा अच्छा डैमेज हुआ है एंड आई थिंक हम इससे आई थिंक कर पाएंगे। सो जो लोग के पास सुपर सैयन 3 गोकू कम स्टार पे है या ZENKAI नहीं कर पाए वो लोग कोई और ZENKAI यूज़ करो। एंड या गाइज एक बात बता देता हूँ, भले आपको कितना भी कंटाला है बस ये एक ही बार कोऑप की बैटल जीत जाना। एक बार आप कोऑप बैटल जीत जाओगे आप रजिस्टर हो जाओगे एंड उसके बाद आप एलिजिबल हो जाओगे ये मेडल लेने का। मुझे बहुत लोग बोल रहे थे कि यार मेरे को मेडल नहीं है, मेडल नहीं है, मेरे को खुद को नहीं आए थे, बट मेडल्स आने में टाइम लगते हैं। एंड अगर आपको मेडल नहीं मिले तो इसका मतलब ये है कि आपने ये कोऑप बैटल नहीं किया या तो फिर आप रजिस्टर नहीं हो पाए हो। सो मैं बोलता हूँ आप डेफिनेटली 2-3 बार खेली लो ताकि आप फाइनली मतलब कंफर्म एलिजिबल हो जाओ। एंड या गाइज इतना ही मुझे बताना था एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर ये वीडियो पसंद आए तो यार लाइक शेयर सब्सक्राइब करना एंड कमेंट्स में बताना मुझे यार आप लोग के क्या थॉट्स है न्यू कैरेक्टर के ऊपर, वीडियो एंड स्टफ के ऊपर। मेरे हिसाब से तो यार गोजीटा नहीं आ पाएगा, आई थिंक सुपर सैयन 4 गोजीटा आएगा। बट या गाइज आप लोग की भी थियरी मुझे सुननी है कमेंट्स में, तो कमेंट्स में बता देना। ओके बाय गाइज।